कि इससे ज्यादा मेरा कहन कड़ा हो नहीं सकता। कोई व्यक्ति सिर्फ धन से बड़ा हो नहीं सकता, और जिस इंसान में बुनियादी तहजीब न हो, मेरा स्वाभिमान उसके साथ खड़ा हो नहीं सकता। थोड़े से हाथ ऐसे करते थे तो दो तीन बार उनने से गाल खींच के मेरे को बोला, उनने मुझे बोला, मैं से खड़ी थी, उन्होंने मेरे को आके बोला तुम्हारे होंठ ना बड़े सुंदर है, ऐसे लगता है पकड़ के किस कर लो। आई कैन से अगर मेंटल हरासमेंट वाला तो 70% उन्होंने काट दिया। क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो बंद होने वाला है? इस शो के इर्द गिर्द इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज आ रही है जिससे लगता है कि इतने सालों से टेलीविजन के ऊपर राज करने वाला शो बंद होने की कगार पर आ गया है। चलिए इस वीडियो में समझते हैं आखिर क्या है शो का सच। तारक मेहता का उल्टा चश्मा करीब 15 सालों से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है, लेकिन अब शो की टीआरपी में अचानक से बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है। ऑडियंस नए एपिसोड्स के बजाय पुराने एपिसोड्स देखना ज्यादा प्रेफर करती है। पुराने एपिसोड जितने इंटरेस्टिंग होते थे, नए एपिसोड्स उतने ही बोरिंग हैं। इसकी बजाय एक साथ कई एक्टर्स का शो को अलविदा कह देना। हाल ही में शो के डायरेक्टर मालव राजदा ने शो को अलविदा कह दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शो के डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउस के बीच कुछ मतभेद हुआ था। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मालव राजदा ने कहा कि मैंने शो को इसलिए छोड़ा ताकि मैं कुछ और क्रिएटिव कर सकूं। YouTube के ऊपर जब भी आप न्यू एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन को देखेंगे तो आपको इस तरीके के कमेंट्स भर भर कर दिखाई देंगे। लोग मानते हैं कि तारक मेहता एक शो नहीं बल्कि हमारे इमोशंस इस शो के साथ जुड़े हुए हैं। जब साल 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी तब स्टार्टिंग से ही इस शो ने लोगों के दिलों में जगह बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इस शो की स्टोरी से लोग रिलेट कर पाते थे, उन्हें एक कनेक्शन महसूस होता था। शो की स्टोरी लाइन रोजमर्रा की जिंदगी पर आधारित थी, जैसे जेठालाल का बब्ता जी के लिए प्यार, टप्पू की शरारतें, पोपटलाल की शादी, चंपक चाचा का गुस्सा, बिड़े और जेठालाल की नोकझोंक और सभी दोस्तों का रात को सोडा शॉप पर मस्ती करना, ये सभी ऑडियंस को काफी पसंद आता था। शो के अंदर काफी कॉमेडी देखने को मिलती थी जो हमें स्ट्रेस से फ्री कर देती थी, लेकिन अगर आप नए एपिसोड देखोगे तो वही सेम स्टोरीज रिपीट होती रहती हैं। बार बार पोपटलाल की शादी टूट जाती है, यकीनन आपको शो देखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। इसका मेन रीजन है कलाकारों का शो को अलविदा कहना। इसमें कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं जैसे दिशा वाकड़ी एस दया भाभी, भव्य गांधी एस टप्पू, निधि भानुशाली एस सोनू, शैलेश लोधा एस तारक मेहता, नेहा मेहता एस अंजलि भाभी और भी अन्य कलाकार शो को अलविदा कह चुके हैं। और कुछ हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है, जैसे घनश्याम नायक एस नट्टू काका और कवि कुमार आजाद एस हंसराज हाथी। साथ ही साथ शो कॉन्ट्रोवर्सीज से घिरा हुआ है, इसमें से हम कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में बात करेंगे। हाल ही में हुई जेनिफर मिस्त्री की कॉन्ट्रोवर्सी ने शो को शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। जेनिफर ने शो के प्रोड्यूसर आसित कुमार मोदी और ऑपरेशन हेड सोहेल रोमानी पर हमला बोला है। जेनिफर ने कहा कि शो के सेट पर उनका सांस लेना तक मुश्किल हो गया था, उनसे हर बात को लेकर सवाल किए जाते थे, आने से लेकर जाने तक के हिसाब रखा जाता था, मानसिक तनाव दिया जाता था। जेनिफर का कहना है उनका ज्यादातर समय सेट पर रोने में बीत जाता था। जेनिफर के मुताबिक सोहेल उनसे गलत तरीके से बात करता था। जब जेनिफर के छोटे भाई की मौत हुई तो सिंपैथी दिखाने की बजाय सोहेल उनके ऊपर चिल्लाया करता था। जेनिफर ने कहा आसिफ मोदी उन्हें कमरे में बिस्की के लिए बुलाते थे। जेनिफर ने पिंक बिला से बात करते हुए कहा मेरा भाई वेंटिलेटर पर था, उसके बावजूद मुझे सेट पर बुलाते थे, उस दौरान छुट्टी तक नहीं देते थे, भाई के इलाज में रोज 15,000 खर्च होते थे, मेरे पास पैसे खत्म हो चुके थे। एक दिन आसिफ मोदी का फोन आया, उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया, मैं 10 दिन के बाद मुंबई गई, उन्होंने मुझसे बात की, उन्हें पता चला कि मैं 7 दिन से एब्सेंट थी, उन्होंने मेरे 7 दिन का पैसा नहीं काटा, मैंने रोते हुए उनके पैर छू लिए। हालांकि सोहेल ने इसके बाद मुझे बार बार सुनाया कि तुम्हारे भाई के मरने पर हमने पैसा दिया था, ये सुनकर मुझे काफी बुरा लगता था। जेनिफर ने कहा आसिफ मोदी ने 2-3 बार गंदे तरीके से बात की, बिस्की पिलाने के लिए कमरे में बुलाते थे, अपना चेहरा मेरे चेहरे के पास लाकर कहते थे कि तुम्हारे होंठ काफी अच्छे हैं, इसे किस करने का मन करता है। इसके जवाब में आसिफ मोदी ने कहा कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे क्योंकि वह मुझे और शो को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ऐड करते हुए कहा जेनिफर सेट के ऊपर काफी खराब बर्ताव करती थी और साथ में उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं था, जिस कारण से उन्हें शो से निकाल दिया गया। दूसरे बड़े कलाकार तारक मेहता के शो को छोड़ने पर भी काफी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। तारक मेहता यानी शैलेश लोधा ने कहा मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट मेरे लिए सबसे बड़ी है और मैं वहां काम नहीं कर सकता जहां मुझे मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। इन सब ने जो आरोप लगाए थे उसमें एक बात कॉमन है, इन सबका कहना है कि इनके पेमेंट को रोका जाता था और महीनों तक इंतजार करना पड़ता था।
तो कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज को मैंने यहाँ पर कवर किया है। अब ये देखना होगा कि शो कितना लंबा चलता है, लेकिन एक बात तय है कि क्रिएटिव टीम के पास अब कुछ नया नहीं है, एक ही स्टोरी को घसीटते रहते हैं। शो में एंटरटेनमेंट कम होता जा रहा है, एपिसोड्स में कॉमेडी एकदम खत्म हो चुकी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सच में शो एक दिन बंद हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक्स अ लॉट।